का फर्स्ट आया, उस्मान सेकंड आया, आजम बैठा था उस्मान पे, और अच्छी लड़ाई ली और दोनों बराबर घोड़े हमारे लड़ते रहे। कोई ना कोई जीता चला जा रहा है इसमें, तो दो ऐसे काम चले थोड़े दिन बाद तो मेरे घर रेसी बंद हो जाएगी। ज्यादा इनामी वाली रेसी हमें इनाम से नहीं मतलब रहता। अब देखिए सूरत चले गए, सारंग खेड़ा, वहाँ कुछ भी नहीं इनाम, खाली एक फील्ड, एक ट्रॉफी। हम जो होता है हम गोलू अपना सब गोलू का है। समय समय की बात है, आज हमारा चल रहा है, कल किसी और का चलेगा। क्या आपने हाथ लगा के सारे घोड़ों को रुकवा रखा था भैया, कोई आगे नहीं जाए, क्या मामला था? किसी को जीतने देंगे? किसी को देखे सभी जीत सकते हैं। अगर ऐसे हो जाए हम कि हाथ लगा दे रुकवा दे, तो एक अलंटीना हम मलियाबाद में भी बनवा लेना, अंबानी साहब जो बनवा अंटीलिया, अंटीलिया। ऐसा तो नहीं लगा कि भाई आजम आगे निकल सकते थे और भाई बड़े भाई भी थे आगे चल रहे थे, तो इसके बाद गुरु भी हैं, ऐसा तो नहीं लगा गुरु दक्षिणा के तौर पे आजम ने कहते लोग बोले तुम नहीं ले गए इसको तो अगली रेस घोड़े बैठने के बाद बहरे उठाते हैं दोनों। अच्छा। ये हम नोट किसी नहीं सुनना। अभी भी आपने कुछ नोट गड्डी उनके हाथ में पकड़ाई? सब गोलू कैश से हमको खून मिला, इनाम से हमको खून मिला। मगर आपकी खुशी जो है इस पर मल्टीप्लाई हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है भाई। कितने गुना मल्टीप्लाई हो रही है भाई? मल्टीप्लाई ही लगा हुआ, अभी इक्वल लगा नहीं आज। एक बार फिर ख्वाजा मोहम्मद गौस खान का घोड़ा पहला खिताब हासिल करके जीत का परचम लहरा चुका है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे ख्वाजा साहब से आपको मुखातिब कराते हैं। बस भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका टाउन काउंट का। जी भाई, पहले तो मुबारकबाद आपको भाई, चौथी रेस आपका घोड़ा खुल। जी भाई, किसी को जीतने देंगे? मैम किसी को रोके सभी जीत सकते हैं। हर रेस में उतर रहे हैं आप, हर रेस में जो है घोड़ा निकल रहा है, कोई ना कोई जीता चला जा रहा है। इसमें तो दो ऐसे काम चले थोड़े दिन बाद तो मेरे लगा रेस ही बंद हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है, सब एक से एक है। समय समय की बात है, आज हमारा चल रहा है, कल किसी और का चलेगा। फिर घोड़े हैं आज अच्छे हैं, कल ख़राब हैं, आज माशाल्लाह अच्छे हैं। आज तो दोनों घोड़े हमारे जीते, एक फर्स्ट आया गोलू और सका फर्स्ट आया, उस्मान सेकंड आया, आजम बैठा था उस्मान पे, और अच्छी लड़ाई ली और दोनों बराबर घोड़े हमारे लड़ते रहे। दोनों ही घोड़ों, आप ही के घोड़ों में ही कंपटीशन हो गया? हो रहा था भाई। मतलब क्या था, मतलब ये क्या, मतलब कोई खेल था, कोई दुआ तावीज था, कोई वजीफा था, कोई जंतर मंतर था क्या? तावीज आवीज हम मानते ही नहीं, हम कोई ना जंतर था ना मंतर था ना तावीज था। घोड़े चलते हैं, उन्होंने फील्ड पे रेस में भी चल के दिखाया और रिजल्ट दिया अच्छा। दोनों घोड़े आप ही के सारी रेस बीट करते, सारे राउंड बीट किए, उसके बाद फाइनल में भी आप ही एक घोड़े पहुँचे, उसके बाद जब वो दौड़ना शुरू करते बहुत दूर दूर तक बीट ले ली। जी माता जी,
कि क्या था मामला, क्या मतलब क्या आपने हाथ लगा के सारे घोड़ों को रुकवा रखा था भैया कोई आगे नहीं जाए, क्या मामला था? अगर ऐसे हो जाए हम कि हाथ लगा दे रुकवा दे तो एक अलंटीना हम मलियाबाद में भी बनवा लेना, अंबानी साहब जो बनवा अंटीलिया अंटीलिया वो मलियाबाद में भी बनवा ले अपने घर को, ऐसे तो ही होता है। तो घोड़े हैं अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छे काम करते हैं और अल्लाह ताला की निगाहें करम रहती है, मलंग उसकी ज़ात से यकीन रहता है माशाल्लाह और पता होती है। मलंग जो है तीन रेस जीत कर आया, फैजाबाद में रेस नहीं हुई जी, हो सकता है भाई वहाँ भी अब जैसे हालात अभी जिस तरह सिचुएशन बना के आप चल रहे हैं उस तरह तो मलंग ही उस वक्त भी निकल जाता। हाँ सीधे में मलंग की रेस थी, लड़ सकता रेस में कौन निकले कौन जीते कौन हारे कोई नहीं कह सकता, वो सब किस्मत का और खेल होता है रेस। अभी जब दोनों घोड़े आप एक साथ थे एक दूसरे को बीट कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था भाई फाइनली गोलू आ गए, मगर जब टक्कर फंसी दोनों आपस में एकदम चिपकने लगे उस वक्त आपको क्या लगा कौन निकल सकता है? नहीं हमको ये लगा कि गोलू पुराना सवार है, आजम उसका भाई है, एकदम औलाद की तरीके से रखता है आजम को, आजम के गुरु भी हैं गोलू, और हम घर पे भी रेस करा चुके हैं दो तीन बार किसी उस्मान घोड़े की अलशकब घोड़े की, और गोलू बैठे थे अलशकब पे और उस्मान पे आजम बैठा था, प्रैक्टिस में भी हम खूब रेस करवा रहे थे, तो आजम जैसे आगे एक बार निकल भी गया था घर के ऊपर तो फिर गोलू ने आखिरी राउंड में उसको क्रॉस कर दिया था। लेकिन आजम की तारीफ हम ये करेंगे कि जैसे अभी अलशकब घोड़ा है वो उस्मान घोड़े से 20 है रफ्तार में थोड़ा 20 है, अब बराबर आ गया, आजम सवारी किया बनाया गोलू ने बताया, काफ़ी मदद गोलू की रही, और लेकिन हमारा तो ये मानना है कि जैसे आगे कोई भी था किसी के भी घोड़े जैसे दो हैं और फर्स्ट सेकंड की पोजीशन पा रहे हैं तो दोनों सवारों को सूट बूट से और एक आगे एक पीछे अपना कर लेना चाहिए। हमें तो ये थोड़ा डर था कि ऐसा ना हो कि एक दूसरों में टकराने में जो है कोई घोड़ा ज़्यादा बार फाउल ना हो जाए। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि भाई आजम आगे निकल सकते थे और भाई बड़े भाई भी थे आगे चल रहे थे तो उसके बाद गुरु भी हैं, ऐसा तो नहीं लगा गुरु दक्षिणा के तौर पर आजम ने कहा लोग बोले तो नहीं लगा इसको? दोनों में ये बात नहीं है, ये लोग यूँ सब भाई भाई हैं सब कुछ है, लेकिन जब घोड़े बैठते हैं तो ये दोनों हमारी भी नहीं सुनता, जैसे हम कहेंगे बस अब बस करो ये एक पल्ला और ज़रा दिखा दो तो नहीं खुद जाते, जैसे हम कहें और ज़रा दौड़ा दिखाओ तो ये लोग इधर से तो लिए जाएंगे हमारी बात पे कि बात ना करो और उधर जाके दोनों कूद जाएंगे, ये दोनों बहरे हो जाते हैं। तो अगली रेस घोड़े बैठने के बाद बहरे हो जाते हैं दोनों, ये हम नोट किसी नहीं सुनना अपने हिसाब से ही चलाना है और वो ठीक भी है। अब इस वक्त पहले आपके पास एक सवाल गोलू था, दूसरा भी है बाकी के पास। हाँ तो घर ही के हम तो एकदम भाइयों की तरह रहते हैं, हमारे वहाँ कोई सवार वाला खेल ही नहीं, एकदम भाई की तरह घर की तरह दोनों। अगली रेस कौन सी है? दोनों लोग कल्लू भाई हैं पुराने एकदम घर की तरह, कोई हमारा सवार वाला कोई नहीं। अच्छा इनके वालिद भी आपके यहाँ? हाँ वालिद साहब हमारे वहाँ आते हैं, हम उनकी इज्जत करते बड़े हैं, और मतलब हमारे वहाँ एक पारिवारिक वाला मामला है तो उसमें सवार और मालिक वाला हम रखते ही नहीं, हम अपने मलने वालों से मालिक और सवार नौकर वाला नहीं रखते, हमारे वहाँ कोई नौकर नहीं, हम कभी किसी की नौकरी नहीं करते, स्टाफ है हमारा सब लोग। जिस तरह से आपके घोड़े जीत रहे हैं इतने अवार्ड की ट्रॉफी किसी न किसी कैटेगरी में आ ही रहा है जी माशा, तो क्या मतलब घर में क्या छोटे मोटे शॉपिंग मॉल टाइप का अवार्ड खुलने वाला है क्या? नहीं भाई शॉपिंग मॉल तो क्या खुल गए, तो माशाल्लाह अल्लाह ने इधर बहुत दिलाई और अल्लाह करे आगे की और दिलाए पाप रोटी का शॉपिंग मॉल खुल। आपको किस चीज़ की ख्वाहिश होती है वाली है, आपको किस चीज़ की ख्वाहिश होती है शील्ड की या गाड़ी वगैरह हो या कैश में? अगर आप किसी से पूछें तो आपको किस चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश होती है, ये भी शील्ड कैश मनी होता या जो है गाड़ी वाड़ी होती, आप किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है? ये कभी आपको मौका मिले तो कभी हमारे गोलू का इंटरव्यू लीजिएगा, ये सवाल आप उनसे कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, अपने मुंह से मैं क्या बोलूँ, हमें सिर्फ शील्ड की चार है नंबर गाड़ी घोड़ा कुछ।
कोई मतलब नहीं। कैश वगैरह आता है इसलिए सीखते हैं गोलू, कोई हमसे मतलब नहीं, सब गोलू का। और अभी भी आपने कुछ नोट गड्डी उनके हाथ में पकड़ाई, सब गोलू का। कैश से हमसे कोई मतलब नहीं, इनाम से हमसे कोई मतलब नहीं। तो अच्छा ये जैसे कोई मतलब चीज जीते, कोई चीज जीते जैसे फ्रिज हो गया, बाइक हो गई, अभी तक मैं बाइक तो नहीं जीता, तो बाकी कैश जितना अब मिलता है मुझसे नहीं मिला। तो जैसे जितनी कोई चीज है कि ये घोड़ा जीत के लाया, तो उतना जैसे उतने एक चीज है तो उतना हमने गोलू को कैश में, ठीक है, एक हम निशानी के लिए वो चीज मतलब भाई शील्ड वगैरह आप अपने पास रखते हैं, बाकी सारी चीज वाली हम ज़्यादा इनामी वाली रेखे हमें इनाम से नहीं मतलब रहता। अब देखिए सूरत चले गए, सारंग खेड़ा, वहाँ कुछ भी नहीं, नाम खाली एक फील्ड एक प्रॉफिट, हम जो होता है हम गोलू अपना सब गोलू का है इनाम, जो फील्ड में मिलता। अगली रेस कौन सी जिसमें आप उतरने वाले हैं? ये भी गोलू बताएंगे। अगले में किसी को चांस देंगे? अगले में किसी को चांस देंगे भाई? सबके लिए चांस है, सबके घोड़े अच्छे हैं, खराब किसके हैं वो टाइम टाइम की बात है। कोई 20 हो गया, कोई 19 हो गया, भाई सभी अपने घोड़ों तैयारी करते हैं। जो जीत जाता है उसे खुशी होती है, जो हार जाता है उससे मायूसी थोड़ी होती है, मगर आपकी खुशी जो है इस पर मल्टीप्लाई हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही भाई, इतने गुना मल्टीप्लाई हो रही है भाई, मल्टीप्लाई ही लगा हुआ, अभी इक्वल लगा नहीं है। अल्लाह ने कहा इक्वल लगे। आपको भाई बहुत बहुत मुबारक हो, एक बार फिर से अगली रेस के लिए मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। तो ये सब थे ख्वाजा मोहम्मद गौस खान जो मैयाबाद के रहने वाले हैं। मलंग इनका घोड़ा लगातार रेस जीत रहा है, और अभी अनवर सबासर की रेस में भी इन्हीं के दो घोड़ों ने एक साथ जीत का खिताब हासिल किया है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।